हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यापारी सड़क के किनारे चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक बेरोजगार आदमी ने उसे देखा तो अपनी ओर बुलाया। अंडे खरीदने की बजाय वो उसे परेशान करने लगा। वह बस किसी तरह व्यापारी का समय बर्बाद कर रहा था। कुछ देर बाद ही वहां लड़ाई शुरू हो गई। उस चालाक आदमी ने व्यापारी को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से सारे अंडे गिर गए। बहुत सारे अंडे टूट गए। व्यापारी उस आदमी को राजा के दरबार तक ले गया और उसने यह मांग की कि उसे उस आदमी से मुआवजा मिलना चाहिए। राजा ने उसकी समस्या समझी और पूछा, कितने अंडे टूटे थे? व्यापारी को गणित बहुत पसंद थी तो वह बोला, अगर जोड़े में गिने तो एक अंडा बचेगा, अगर तीन तीन करके गिने तो दो अंडे बचेंगे, अगर चार चार करके देखें तो तीन अंडे बचेंगे, अगर पांच पांच करके गिने तो चार अंडे बचेंगे, अगर छह छह करके गिने तो पांच अंडे बचेंगे, अगर सात सात करके गिने तो कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में अधिकतम 150 अंडे आ सकते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि व्यापारी क्या कहना चाह रहा था। मान लीजिए कि टूटे अंडों की संख्या ए है, यहां पर m भागफल है और शेष फल शून्य। a 6 n के 5 के योग के बराबर है, n भागफल है। अगर हम a को 6 से विभाजित कर दें और शेष फल होगा 5। इस तरह से a बराबर होगा 5 p और 4 के योग के, p भागफल होगा। अगर a को हम 5 से विभाजित कर दें, शेष फल होगा 4। इसी तरह से चलता रहेगा। तो हम व्यापारी की कही बात को आसान से समीकरण की मदद से बताते हैं। सही उत्तर था 119। कुल इतने अंडे टूटे थे और हां, व्यापारी को 119 अंडों का मुआवजा मिल गया था। तो ए की मात्रा 119 है। अब देखिए किस तरह से 119 सारे समीकरणों में एकदम ठीक बैठता है। 119 7 गुणा 17 और शून्य के योग के बराबर होगा। जब 119 को 7 से विभाजित करेंगे तब भागफल 17 होगा और शेष फल शून्य। 119 बराबर है 6 गुणा 19 का 5 से योग। जब 119 को 6 से भाग करेंगे तो 19 भागफल होगा और 5 शेष फल। यहां पर 119 की मात्रा बराबर होगी 23 गुणा 5 और 4 का योग। जब 119 को 5 से भाग करते हैं तब 23 भागफल होगा और 4 शेष फल। 119 व्यापारी के हर वाक्य में एकदम सही बैठता है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे भाजक बदलता है वैसे वैसे भागफल और शेषफल भी बदल जाता है और हर बार भागफल और शेषफल की जोड़ी अनोखी होती है। अगर हम भाज्य को ए से दिखाते हैं और भाजक को बी से, भागफल क्यू से और शेषफल को आर से, तो देखिए कि हमें क्या मिलता है। ए बराबर होगा बी गुणा क्यू और आर के जोड़ के, जहां पर शेषफल आर शून्य या शून्य से बड़ा होगा और भाजक बी से छोटा। ए और बी की किसी निर्धारित मात्रा के लिए क्यू और आर भी निर्धारित होते हैं, है ना? आप चाहें तो 119 को 6 से जितनी बार भी विभाजित कर दें, भागफल हमेशा 19 और शेषफल हमेशा 5 होगा, यानी क्यू और आर सामान्य होंगे। यह तो एक मानी हुई बात लग रही है, पर सबसे पहले से यूक्लिड ने अपनी किताब यूक्लिड के एलिमेंट्स में बताया था। यूक्लिड ने कहा था, यदि ए और बी सकारात्मक पूर्णांक हैं, तो ऐसे एकमात्र क्यू और आर पूर्णांक होंगे, जो ए बराबर बी गुणा क्यू और आर जैसी समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यहां पर आर बी से छोटा है, इसे यूक्लिड का विभाजन लेम्मा कहते हैं। लेम्मा एक ऐसा वाक्य है जो पहले से ही सिद्ध किया होता है और हम उसे दूसरे वाक्य को सिद्ध करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस लेम्मा के आधार पर यूक्लिड ने एक आसान सा तरीका या एल्गोरिदम तैयार किया है, जिससे कि दो अंकों का महत्तम समापवर्तक निकाला जा सकता है। हम अगले पाठ में उस एल्गोरिदम को पढ़ेंगे।